जय दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 7। प्रैक्टिस सेट सेवन। दोस्तों, मैंने आप सभी भाई बंधुओं को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया। पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सदाशिव कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का दोस्तों नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लगाकर जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में सारे चैप्टर सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। टोटल पूरा सिलेबस दोस्तों मैंने 76 लेक्चर में कंप्लीट किया है, इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अच्छे से हर लेक्चर को बहुत ही सावधानी के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक एक लेक्चर को पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास इतना वक्त है, तो यदि अभी भी आप अच्छे से नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़ा है मैथ, तो दोस्तों अभी भी आप अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, और अभी भी आप जाग जाइए। यदि कहीं बैठे हुए हैं कि सोच रहे हैं कि इतना आसान है, बगैर पढ़ने से काम चल जाएगा, तो अच्छे अच्छों की जो मैथ में काफी सोचते हैं कि हम बहुत धुलंधर हैं, हमें बहुत अच्छे से मैथ आती, उनकी भी बैक लगती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि हमें मैथ बहुत अच्छे से आती, क्योंकि आती तो जिसको है, यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्या कैसे करेंगे आप? क्या जो बहुत सामान्य बातें होंगी वो भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जिन्हें मैथ आती है, तो यदि आप सिलेबस नहीं देखे हो तो कम से कम प्रैक्टिस सेट ही अच्छे से लगा लीजिए, प्रैक्टिस सेट को ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का लिंक दोस्तों आप क्या अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं उनमें फटाफट शेयर कर दीजिए। जो जो भाई आपके कॉलेज के ग्रुप है या अपने यथाशक्ति के अनुसार शेयर कर दीजिए। आप जो भी अकाउंट चलाते हैं उस पे क्या इसका लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख सकें, और जिनके मन में क्या मैथ के प्रति एक डर बैठा हुआ कि हम कैसे पेपर देंगे, वो भी डर उनका दूर हो जाएगा यदि आप क्या इस वीडियो का लिंक उन तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। कहता है, जांच कीजिए कि 10/50 एवं 6/30 क्या तुल्य भिन्न है? क्या तुल्य भिन्न है? दोस्तों हमें क्या प्रूफ करना है, जांच कीजिएगा, मतलब क्या हमें सिद्ध करना है कि क्या ये 10/50 और 6/30 तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले जो हमें भिन्न दे रखे हैं उनका हम सरलतम रूप निकाल लेंगे। क्या जो हमारे पास भिन्न हैं उनका क्या कर लेंगे, सरलतम रूप निकालेंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान से समझिए। लिखोगे 10/50 का सरलतम रूप, सरलतम रूप। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 10/50 का जो सरलतम रूप हमारा क्या होगा, 10/50 इसका सरलतम रूप चाहिए दोस्तों, रूप चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है 10 × 1 = 10 होता है, और 10/50 यानी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/5।
आया कि नहीं, क्या 10/50 का जो सरलता रूप हमारा 1/5 आया के। दोस्तों इसी प्रकार क्या लिखेंगे, 6/30 का सरलतम रूप, इसको भी दोस्तों कट कर लेंगे, कितना 6/30 इसको दोस्तों कट करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए तो क्या होता है, 6 × 1 = 6 और 6 × 5 = 30 इसको भी दोस्तों सॉल्व करने पर हमारा कितना आया 1/5। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, पहली बिंदु जो 10/50 थी इसको मैंने सरल किया तो उसका सरलतम रूप 1/5 आया, और दोस्तों जो हमारे भिन्न 6/30 थी इसको भी दोस्तों मैंने सरल किया, इसका सरलतम रूप लिखा वो भी दोस्तों 1/5 आया। दोनों क्या 1/5 1/5 आया, और आपका तुल्य बिंदु यही तो होती, तुल्य बिंदु तो वही होती जैसे आपसे पूछा। तो दोस्तों क्या तुल्य बिंदु क्या होती, जिनका क्या मान आपस में बराबर हो जाए तो वही तुल्य बिंदु कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। यानी कि दोस्तों क्या यह सिद्ध होता है कि क्या लिखोगे 10/50 एवं 6/30 का सरलतम रूप समान है, क्या चूंकि 10/50 एवं 6/30 का सरलतम रूप समान है, समान है, इसीलिए दोस्तों क्या कहोगे 10/50 एवं 6/30 तुल्य भिन्न है। या दोस्तों हमारा प्रूव्ड हो चुका, क्या होगा प्रूव्ड होगा, यानी कि मतलब क्या सिद्ध हो चुका, मैंने सिद्ध कर लिया। कैसे, दोनों भिन्नों का जब भी इस तरीके से भिन्न मिलती, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, जितने भी भिन्न मिले इसी तरीके से क्या 2, 3, 4, 5 और बहुत सारे भिन्न आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपसे कहेगा इसका क्या जांच कीजिए तुल्य भिन्न है कि नहीं है, तो आपको क्या इस तरीके से सॉल्व करना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं होमवर्क के लिए, कहता है आपसे ध्यान से, कहता है दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं इस बार तीन भिन्न आपको दे रखा हूं, देता हूं, कहता है 10/15 दूसरी भिन्न दोस्तों है 12/18 और तीसरी दोस्तों तीसरी भिन्न आपकी है 14/21 ठीक है, क्या तुल्य भिन्न है, जांच कीजिए कि 10/15 12/18 एवं 14/21 क्या तुल्य भिन्न है, यह आपको सिद्ध करके बताना है। कर लेंगे ना दोस्तों इसी तरीके से ना, आप बताइएगा कि हां सर है कि नहीं, वास्तविकता में होंगी ही। चलिए मैं कर दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए मैं इसको कर दे रहा हूं, कैसे करेंगे, बहुत आसान प्रश्न ये भी है, मैं इसको कर ही दे रहा हूं जिससे आप क्या ध्यान से देखिए क्या लिखोगे 10/15 का सरलतम रूप लिखिए, का सरलतम रूप तो दोस्तों कितना हो जाएगा 10/15 ये किससे कट होगा दोस्तों ध्यान से देखिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 यानी कि साल करने पे कितना है 2/3। इसी प्रकार दोस्तों निकालेंगे किसका 12/18 का सरलतम रूप। चलिए कितना 12/18, मैंने सोचा इसको करा ही देते हैं, इसमें क्या बताएंगे आप, क्योंकि लिखा है सिद्ध कीजिए जांच कीजिए, यानी कि जाहिर सी बात होगा, इसलिए क्या होगा 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18 ये भी दोस्तों देखिए क्या 2/3 आया, और अंतिम दोस्तों भिन्न हमारे पास है क्या 14/21
का सरलतम रूप क्या होगा दोस्तों? क्या लिखोगे? 14/21 इसको कट कर लीजिए, क्या 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21 कितना है साल करने पर? 2/3। अब देखिए तीनों भिन्नों का सरलतम रूप दोस्तों 2/3, 2/3, 2/3 आया, तो क्या लिखोगे? चूंकि यहां पर क्योंकि 10/15, 12/18 एवं 14/21 का सरलतम रूप समान है, इसीलिए इसीलिए क्या 10/15, 12/18 एवं 14/21 तुल्य भिन्न है और प्रूव्ड हो गए। चलिए मैंने इसको करा ही दिया, फटाफट आप कर लीजिए इसको। चलिए मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दोस्तों आपसे कहता है 240 है, कितनी 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों क्षितिज चंद्र जी ने पूछा है और मैंने दोस्तों यह प्रश्न चैप्टर सेवन के लेक्चर नंबर फाइव में क्वेश्चन नंबर सत्ताईस कराया है। लेकिन क्षितिज चंद्र को इसमें कोई डाउट है तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्षितिज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 40% छात्र क्या होंगे? फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या? फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है और संख्या भी हमें दे रखी कि 40% फेल तो हुए लेकिन अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दोस्तों जो हमारी कितनी है 240 है, तो कह रहा परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि उस परीक्षा में उस एग्जाम में कुल कितने छात्र बैठे। तो दोस्तों क्या लिखोगे? दिया है दोस्तों ध्यान से देखिए क्या दे रखा है हमें, परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत बराबर, अनुत्तीर्ण छात्र किसमें दे रखे? प्रतिशत में या का प्रतिशत बराबर लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कितना है 40%। और दोस्तों दे रखा है
परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या लिख लीजिए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या या खाली छात्र लिख दीजिए कितने 240। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिए, इन दोनों सेंटेंसों का मतलब तो एक ही, एक तो परसेंटेज में दे रखा है और एक क्या देखा अंकों में दे रखा। यानी दोस्तों चाहे हम कहें परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 40 है और या कहें हम परीक्षा में ये प्रतिशत में दे रखा है, ये किस में दे रखा अंकों में दे रखा, तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे बराबर दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, वो आपको पता है कोई भी एग्जाम यदि होगा, कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें 100% छात्र बैठेंगे, कह रहा परीक्षा में बैठने छात्रों की संख्या, तो दोस्तों क्या होता है 100% छात्र बैठेंगे, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो हम मानते हैं कि उस परीक्षा में 100% छात्र बैठे हैं, उसमें से 40% फेल होंगे, कितने 40%, ये बता रहा कि 40% फेल हुए, तो दोस्तों कितने में से 40% फेल हुए 100% में, इसीलिए दोस्तों जो परीक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी 100% होगी, लेकिन उसने पूछा छात्रों की संख्या बताइए, तो हम बता रहे कि 100% होगी, वो 100% अंकों में बताना है, तो कोई भी परीक्षा होगी कुछ भी कहेगा तो आपको 100 होगा, किसी भी चीज का मान निकालो तो परसेंटेज दे रखा हो तो 100 में उसका मान दे रखा होता है, इसलिए क्या परीक्षा में छात्रों की संख्या जो होगी प्रतिशत में कितनी 100% होगी। अब दोस्तों ध्यान समझिए, तो दोस्तों इस ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका जो 40% का जो मान होगा, 40% का जो मान होगा वह दोस्तों किसके 240 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 240 के, इसीलिए दोस्तों क्या लिखोगे 1% का मान, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1% का मान होता क्या 40 गुणे लिख सकते हैं इसको, बात तो एक रही है 40 गुणे 1%, बात तो एक ही है कि नहीं, तो 40 गुणे 1 से जो चीज गुणे में होती है बटे में जाती है, यानी दोस्तों यदि हम 1% का मान निकाल रहे हैं तो दोस्तों हमारा कितना होगा 240/40, यही तो होगा। और दोस्तों क्या चाहिए हमको, आपको पता है कि परीक्षा में 100% छात्र बैठेंगे, तो इसीलिए हम निकालेंगे 100% का मान, क्या निकालेंगे 100% का मान बराबर 240/40। अब दोस्तों क्या किया मैंने, इस साइड में इसको 100 दोनों पक्षों में यदि 100 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया इस साइड में इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से गुणा किया, इसीलिए इस साइड में भी दोस्तों हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करें इसलिए इस साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए दोस्तों क्या किया 100% का मान कितना 240/40 × 100। अब दोस्तों देखिए 0 से 0 कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 6 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो दोस्तों आपको पता है 100% का मान कितना आ गया, 100% का मान कितना होगा 600। यानी कहने का मतलब वो 100% है कौन, परीक्षा में बैठे कुल छात्रों की संख्या वही तो होगी, तो क्या लिखोगे आंसर आ चुका हमारा, अतः परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बराबर कितनी 600। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका, ठीक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया, ठीक है, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए करें, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न भी क्षिति चंद जी ने पूछा है, दोस्तों यह भी प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4, यह प्रश्न भी दोस्तों क्या चैप्टर 7 के लेक्चर नंबर 5 में प्रश्न संख्या 28 मैंने कराया है, दोस्तों ध्यान से देखिए, श्रीमान खेड़ा अपनी कुल आमदनी, मतलब जितना कमाते हैं अपनी कुल आमदनी में से यातायात पर 10%, ध्यान समझिए दोस्तों, आगे कहता है घरेलू
खर्च में 60% आगे आपसे कहता है तथा चिकित्सा पर पांच प्रतिशत राशि खर्च करता है आगे आपसे कहता है यदि वह 5,000 रुपये की बचत करता है यदि वह पांच हजार रुपये की बचत करता है तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल आमदनी मतलब कितना कमाता है, आमदनी ज्ञात कीजिए, कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, और बहुत आसान प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या क्या रहा है। कह रहा श्रीमान खेड़ा अपनी कुल आमदनी में से यातायात पर 10% खर्च करते हैं, घरेलू खर्च पर 60% तथा चिकित्सा पर 5% की राशि खर्च कर देते हैं। कुल वे रुपए दोस्तों जो बचा पाते हैं वो 5,000 रुपए बचा पाते हैं। तो कह रहे उनकी कुल आमदनी कितनी, उनकी कुल सैलरी कितनी, वो हमें ज्ञात करनी, कितने उनकी कुल आमदनी कितनी, कुल कितनी सैलरी, कितना कमाते हैं, वह दोस्तों हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों फटाफट देखते हैं खर्च उन्होंने टोटल कितना किया, वो दोस्तों पहले निकालते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कहां कहां खर्च किया है, दिया है, गिवन है दोस्तों क्या है हमें। श्रीमान खेड़ा अपनी कुल आमदनी में से यातायात पर, तो यातायात पर दोस्तों खर्च क्या है, यातायात पर खर्च, और वो भी दोस्तों किसमें दे रखा, प्रतिशत में, तो ब्रैकेट में लिख लिया प्रतिशत में, कितना 10%, ठीक है। घरेलू खर्च वो ये भी प्रतिशत में है दोस्तों, कितना दोस्तों, मतलब घर के सामान्य खर्चों में दोस्तों उनका कितना पैसा खर्च हो जाता है, 60%, ठीक। और क्या, चिकित्सा पर खर्च वो भी दोस्तों किसमें, प्रतिशत में, तो दोस्तों वहां कितना है, 5%, ठीक। इतना दोस्तों, और क्या दे रखा है, यदि वह 5,000 रुपए की बचत करता है, तो दोस्तों बचत कितनी हमारी, बचत बराबर 5,000 रुपए, किसकी, हमारी नहीं, श्रीमान खेड़ा जी की, कितनी बचत 5,000 रुपए है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले हम देख लेते टोटल खर्च कितने प्रतिशत किया, तो लिखो कुल खर्च बराबर वो भी किसमें, प्रतिशत में दोस्तों मैं ये निकाल ले रहा हूं, क्या होगा कुल खर्च, दोस्तों क्या करेंगे, यातायात पर खर्च कितना 10% प्लस दोस्तों क्या, घरेलू खर्च कितना 60%, और प्लस दोस्तों क्या करेंगे, चिकित्सा पर खर्च 5%। दोस्तों सबको आपस में ऐड कर लीजिए, तो 10, 60, 70, 5, 75, यानी कि टोटल उनका खर्च कितना है, 75% खर्च करते हैं। तो यानी दोस्तों क्या निकालेंगे, 75% खर्च कर लेते हैं, तो बचत निकाल लेते हैं, बचत क्या निकालेंगे, बचत बराबर, बचत किसमें, प्रतिशत में, किसकी बचत, श्रीमान खेड़ा जी की बचत, प्रतिशत में कितनी आएगी दोस्तों, सैलरी कितनी है, मैंने कहा था कोई भी चीज यदि होती है उसको 100% मानते हैं, यानी परसेंटेज यदि आपको दे रखा होगा तो 100 में से दे रखा होगा, कि 100% में से 10%
यातायात पर, 60% घरेलू खर्च पर और क्या 5% चिकित्सा, ये 100 में दे रखा होगा। तो दोस्तों क्या जब भी हमें बचत निकालनी होगी तो क्या कुल कमाई, कुल आमदनी में से कुल आमदनी दोस्तों क्या होगी 100% होगी, 100% होगी। कुल आमदनी में से दोस्तों क्या जितनी हमने खर्च किया कुल खर्च घटा देंगे, तो कुल खर्च दोस्तों हमारा कितना है 75% इसमें से घटा देंगे। क्या दोस्तों हमने किया, कुल आमदनी जो हमारी कितनी 100% होगी, भाई किसी भी व्यक्ति की होगी, यदि कुछ खर्च कर रहा परसेंटेज दे रखा तो 100% दे रखा होगा, तो कुल आमदनी में से कुल खर्च को घटा देंगे तो हमारा कुल बचत आ जाएगी, कुल बचत दोस्तों हमारी आ जाएगी। यानी कि दोस्तों कितना 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, मैं इसी के आगे लिख रहा हूं 25%, आप उसके इसके नीचे बराबर करके लिख सकते हैं 25%, ठीक दोस्तों। यानी कि बचत कितना 25%, और आपसे यहां भी दे रखा था बचत बराबर 5000 रुपए, यानी कि दोस्तों यह अंकों में दे रखा है, ये प्रतिशत में दे रखा है, यानी कि 25% बराबर किसके होगा 5000। तो क्या लिखोगे, वही कहानी जो अभी इसके पहले किया था, क्या 5000 का मान, या इसे लिखो 25% का मान, का मान किसके बराबर हो जाएगा 5000 के, 5000। आपसे पूछा था कुल आमदनी, कुल आमदनी कितनी 100% होगी कि नहीं, इसीलिए 1% का मान भैया कितना हो जाएगा, वही 5000 बटे क्या 25, ही तो आप पहले सीख चुके हैं, इसीलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि उनकी आमदनी कितनी होगी 100%, 5000 बटे 25 इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 20 मल्टीप्लाई करें, 200 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना आ जाएगा 20000, कितना 20000 रुपये आ जाएंगे, 20000 रुपये। तो क्या पूछा, तो उसकी कुल आमदनी कितनी है, तो इसके नीचे लिखेगा अतः, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा क्या, अतः श्रीमान खेड़ा की कुल आमदनी बराबर धनी बराबर कितनी 20000 रुपये। ये दोस्तों हमारा क्या आंसर आ चुका, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, ठीक। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्षिति चंद जी आपके मन में जो डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एक प्रश्न दोस्तों और है, प्रश्न संख्या 5, ये भी क्षिति चंद जी ने ही पूछा है। और ये भी प्रश्न दोस्तों चैप्टर 7 के लेक्चर 5 का क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है एक कक्षा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एक कक्षा में 60% नहीं, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी थे। आगे आपसे कहता है 60% प्रथम श्रेणी, 60% प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन, कामा 20% द्वितीय श्रेणी, 20% द्वितीय श्रेणी। आगे कहता है द्वितीय श्रेणी में से तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तृतीय श्रेणी में तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आगे दोस्तों आपसे कहता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी
द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। द्वितीय प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है और आपके काम का है। दोस्तों यहां से देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, जिसमें से क्या कह रहा है 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, 20% द्वितीय श्रेणी में और शेष 30 श्रेणी में। तो 60-20-80 होगा, तो शेष दोस्तों कितने हो गए 20% तृतीय श्रेणी में भी उत्तीर्ण हुए। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में अलग अलग उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है दोस्तों एक कक्षा में 60 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, कुल विद्यार्थियों या कुल विद्यार्थी बराबर भी लिख सकते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख लीजिए या कुल विद्यार्थी बराबर 60। ठीक, ये कह रहा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, उसका दोस्तों क्या देखा, प्रतिशत दे रखा ना, तो प्रतिशत में दोस्तों कितना हो जाएगा 60%। और इसी प्रकार दोस्तों क्या देखा, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण क्या विद्यार्थी, कितना दोस्तों, ये भी प्रतिशत में कितना 20%। और तृतीय श्रेणी में पता नहीं तो निकाल लेते हैं दोस्तों क्या लिखोगे, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो आपको पता है किसी भी विद्यार्थी वो भी प्रतिशत में निकाल लेते हैं, प्रतिशत में कि किसी भी क्लास होगी, किसी भी कक्षा में होगी, जो परसेंटेज दे रखा है तो 100% में होता है। इसलिए दोस्तों क्या, जो परसेंटेज दे रखा है वो 100% के बराबर होता है। हमने क्या कहा, जैसे 60% 20% कहा, यानी कि 100 में से 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, 100 में से 20% किसमें उत्तीर्ण हुए, सेकेंड श्रेणी में। तो तृतीय श्रेणी में कैसे निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में, कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में माइनस प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या प्लस द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत, राइट। यानी दोस्तों कितना होगा, 100% में से 60-20 कितना होगा 80, माइनस 80%, यानी दोस्तों कितना आ गया हमारा 20%। यानी कि हमारे जो शिक्षार्थी, यानी कि जो हमारे विद्यार्थी उत्तीर्ण कितने, तृतीय श्रेणी में 20% उत्तीर्ण हुए। आपसे पूछा था प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अलग अलग शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की संख्या, दोस्तों लिखोगे क्या, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर दोस्तों कैसे निकालेंगे, कुल विद्यार्थी दोस्तों हमारे पास कितना 60, और उसका कितना परसेंट पास हुए हैं प्रथम श्रेणी में 60%। तो लिखोगे कुल विद्यार्थी मतलब 60 का 60% दोस्तों हमारे विद्यार्थी पास हुए हैं।
क्या 60 का 60%, मतलब टोटल विद्यार्थी 60 उसका 60% पास हुए, तो 60 का 60% पास हो, इसको सॉल्व कर लीजिए तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो उसको सॉल्व करते हैं तो 60 × 1/100 आपको पता है 1% की वैल्यू कितना 1/100 के बराबर होती है, सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 इन दोनों जीरो से दोनों चार जीरो कट गया, कितना था 36 आ गए, यानी कि प्रथम श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हो गए 36। इसी प्रकार दोस्तों द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं क्या, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर लिख सकते हैं, या ऐसे लिखे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी तो संख्या ही तो पूछ रहा, कितना हो जाएगा 60 का कितना प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने 20%, तो 60 का 20% सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा 60 × 20 × 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये क्या होता है 100, कट कर लीजिए 0 से 0 गया 6 × 2 = 12, यानी कि द्वितीय श्रेणी में 12 हुए। और इसी प्रकार दोस्तों तृतीय श्रेणी में कितने होंगे, वो भी 12 होंगे क्योंकि वो भी 20% है, तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना दोस्तों हो जाएगा बराबर वही काम 60 का 20%, तो दोस्तों कितना 60 × 20/100 या × 1/100, ठीक कट कर लीजिए 0 0 0 0, जो चीज यहां लिखी है वही चीज यहां लिखी दिख रहा होगा मुझे, उम्मीद 6 × 2 = 12 कितना है दोस्तों, सॉल्व करने पर ये हमारा 12 आ जाएगा, यानी कि प्रथम श्रेणी में 36 उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में 12 उत्तीर्ण हुए और तृतीय श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हुए दोस्तों 12। अब इनको जोड़ लीजिए, आंसर की जांच भी यहां से हो सकती, 36 और 12 दोस्तों कितने हुए 48 और 12 कितना 60, टोटल 60 की तो विद्यार्थी थे, आ गया कि नहीं आ गया, तो नीचे लिखोगे अतः प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या, अलग अलग संख्या क्रमशः क्या लिखोगे, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कितनी 60, 12 और 12, और यह दोस्तों हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे ना, ये दोस्तों हमारे क्या तीनों आंसर आ चुके हैं। चलिए तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न अब कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला के प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। कहता है प्रश्न संख्या दोस्तों 6 दोस्तों देखते हैं क्या कहता है, छह नंबर है आपसे, कह रहा है 3x − 5 = 2x + 15 को सरल कीजिए, और बहुत आसान है ऐसा, बस दोस्तों आपके पेपर में एक नंबर में पूछा जाता है, ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। चलिए क्या 3x हो गया माइनस का 5 = 2x + 15, ठीक है। आपको पता सजातीय पदों को एक साथ में रखते हैं, यानी कि यहां x है इसीलिए यहां x, इसको उठा के उधर ले आएंगे और इसको उठा के उधर ले जाएंगे, नंबर को नंबर के साथ में रखना और क्या मतलब चर को चर के साथ में और अचर को अचर के साथ में, इसलिए क्या 3x इसको उठा के बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का 2x = 15 और ये माइनस का बराबर उधर जाएगा कितना जाएगा 5, यानी कितना x बराबर कितना हो गया 20, तो बहुत आसान हो गया। चलिए लगा लीजिए फटाफट, हो जाएगा ना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप का प्रश्न अब कर लेंगे। अगला एक प्रश्न हो देखिए, होमवर्क के लिए प्रश्न संख्या 7 है। कहता है 7y − 8 =
टू वाई प्लस का 22 का को सरल कीजिए, को सरल कीजिए या कहेगा का में वाई का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। कहेगा को सरल कीजिए या कहेगा में वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधु को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों क्या, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।